पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर छाए करौली बाबा की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। करौली बाबा के नाम से मशहूर इस धार्मिक बाबा का असली नाम संतोष सिंह भदौरिया है। ये मूल रूप से उन्नाव जिले के 12 सगवर के रहने वाले हैं। संतोष सिंह भदौरिया बाबा बनने से पहले किसान नेता थे और किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम करते थे। वह कई किसान आंदोलनों में भाग ले चुके हैं। जब बाबा पर मारपीट का आरोप लगा तो पुलिस ने इसकी पड़ताल की, जिसमें उन पर 90 के दशक में दर्ज कई केसों का खुलासा हुआ। बाबा पर रासुका तक की कार्रवाई हो चुकी है। हमारे कैमरे पर बाबा ने खुद इस बात को स्वीकारा। इस देश में सब बड़े बड़े राजनेता हैं, देश के बड़े बड़े समाज सेवा में जुड़े हुए लोग हैं, आज अच्छे अच्छे पदों बैठे हैं या कल भी थे पदों पर, मुकदमे नहीं थे उनके ऊपर। राजनीति में रहोगे तो लड्डू पेड़ तो मिलेगा नहीं, सत्ता का विरोध करोगे तो क्या मिलेगा। किसानों की राजनीति करते थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ थे, ईमानदार नेता थे, राजनीति करते नहीं करते थे, अराजनीतिक संगठन था, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, कोई राजनीति नहीं, कभी राजनीति वाजनीति की। शिवसेना में थे, जब तक शिवसेना अराजनीतिक रही मैं उसका अध्यक्ष रहा, जब राजनीति में आ गई मैंने छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक करौली बाबा के खिलाफ 1992 से 95 के बीच हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। 14 अगस्त 1994 को तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश सिंह के आदेश पर संतोष भदौरिया पर रासुका लगाया गया था, जिसे हटवाने के लिए बाबा ने गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में संतोष ने बताया था कि वह 1989 से किसान यूनियन में कार्यकर्ता हैं, उन पर कई लोगों की जमीन हड़पने के आरोप भी हैं। जब किसान यूनियन में थे तो तमाम मुकदमे लिखाए गए, फिर बाद में गवर्नमेंट ने सारे मुकदमे विड्रॉ कर लिए, शासन ने शासन आदेश जारी हुआ गवर्नर के यहाँ से, खत्म हो गए मुकदमे। किसान आंदोलन के समय संतोष सिंह भदौरिया की एक मामले को लेकर पुलिस से झड़प हो गई थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जेल से जब संतोष भदौरिया वापस आए तो वे किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। उनका नाम कानपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चा में आ गया। इसके बाद कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल से उनकी नजदीकियां बढ़ गईं। जायसवाल ने उन्हें कोयला निगम का चेयरमैन बनाकर लाल बत्ती दिलवा दी। विवाद हुआ तो निगम से हटा भी दिए गए। राजनीति में विफल होने और अनेकों केस दर्ज होने के बाद संतोष भदौरिया ने बाबा का रूप धर लिया। कानपुर में किसानों से करौली आश्रम बनवाया। उन्होंने सबसे पहले यहाँ भगवान शनि के मंदिर का निर्माण करवाया, फिर थोड़ी और जमीन खरीद के करौली आश्रम शुरू कर दिया। इसके बाद यूट्यूब के माध्यम से अपने चमत्कार के वीडियो बनाकर वायरल करवाना शुरू कर दिया। उनकी लोकप्रियता बढ़ने पर आश्रम में आने वालों की संख्या बढ़ गई। बाबा दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगे। इसके बाद संतोष बाबा ने 3 साल में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उनका आश्रम 14 एकड़ में फैला हुआ है। 14 एकड़ में जो ये आपका आश्रम है, किस किस चीज की चिकित्सा यहाँ होती है? यहाँ चिकित्सा नहीं होती है। यहाँ जिन रोग जिस कारण से हैं, वैदिक प्रक्रिया का पालन करने से, हमारा पुरातन साइंस हमारा ये कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर रोगों की स्मृतियाँ हैं तो आपको रोग होंगे। आप पूर्व जन्म में अगर रोगी रहे हैं वो भी स्मृतियाँ रहती हैं आपके साथ, नष्ट नहीं होती हैं। क्लाउड में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, एक मेमोरी नहीं नष्ट होती है। हम बोल रहे हैं नष्ट नहीं होगा, पूर्व जन्मों में भी आपको बीमारी रही, अगर वो स्मृति आ गई तो वही रोग आपको धीरे 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 शरीर में बनने लगेगा। तो अगर रोगों की स्मृतियों को नष्ट कर दिया जाए तो रोग खत्म हो जाते हैं। तो आप प्रार्थना जब करते हो, संकल्प करते हो दरबार में कि मेरे ये रोग हैं, जिस स्मृति के कारण ये रोग है, स्मृति नष्ट कर दी जाए, आपके पास जो वैदिक प्रक्रिया करके जब आप आते हैं तो उसके आपका सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो स्मृतियाँ नष्ट होती जाती, क्योंकि स्मृतियों में प्राण होते हैं, स्मृति नष्ट होती जाती, उनकी जगह सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती जाती, सारी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती रोगों की और आदमी अपने को स्वस्थ फील करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।